बच्चे पूछते हैं कि सर तैयारी कैसे करें, क्या हो, कितना समय देना चाहिए। समय का जवाब दे रहा हूं मैं, समय का जवाब दे रहा हूं, याद रखना। समय के ऊपर एग्जांपल के माध्यम समझाऊं, मत कभी भी समय पे ध्यान मत दीजिए। एक चाकू है आपके पास, ठीक है, और उस चाकू से आप सब्जी काट रहे हैं, ठीक है, और एक दूसरा चाकू है, ठीक है, और उस चाकू की धार बहुत तेज है, लेकिन जो पहले वाला चाकू है वो भुट्टा है, ठीक है। आप दोनों से सब्जियां काट रहे हैं, सब्जी कौन से पहले कटेगी, सब्जी पहले कौन से कटेगी बताइए, जिससे तेज धार है। समझ में आ रहा है बात? मैं आपको इस मैसेज के माध्यम से, इस चाकू की तुलना के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। जिंदगी में कभी इस बात के ऊपर ध्यान मत दीजिए, आपकी धार कैसी है पढ़ने की, आपकी चाकू की धार कैसी है, सब्जी जल्दी कट जाएगी। उसी चाकू को जो भुट्टा है, उस चाकू को आप रगड़ रहे हो, 5 बार प्रयास किया तब जाके आलू कटा, और एक चाकू ऐसा था जिसने रखते ही आलू कट गया। समझ में आ रही है बात? जब पढ़ाई कर रहे हो, चाहे 5 घंटे करो, चाहे 7 घंटे करो, लेकिन जब 5 घंटे आप उल्लास के साथ, जोश के साथ, खुशी के साथ जब पढ़ाई कर रहे हो, तो आपकी वो 5 घंटे 20 घंटे के बराबर है। लेकिन आप रोते हुए पढ़ रहे हो, हालत खराब होते हुए पढ़ रहे हो, गुरुजी क्या करेंगे, निराशा है, टेंशन है, गुरुजी भर्ती होगी नहीं, परीक्षा आएगी नहीं, पता नहीं क्या होगा, इस विचार के साथ यदि आप तैयारी कर रहे हो, तो आपका चाकू क्या हो चुका है, भुट्टा हो चुका है, उस चाकू में धार नहीं है, और बिना धार के चाकू से सब्जी काटोगे साथ बहुत समय लगेगा, और जब वो सब्जी पकेगी तब तक सुबह की बनाई हुई सब्जी शाम हो जाएगी, मतलब आप कंपटीशन से बाहर हो जाओ। तो अपनी धार को बनाना है, और धार को इतनी ट्रेनिंग कर लो कि 4 घंटे भी पढ़ो, 5 घंटे भी पढ़ो, इतनी गजब की तत्परता के साथ पढ़ो, इतनी गजब की स्टेमिना के साथ पढ़ो कि जब पढ़ो तो आनंद आना चाहिए कि यार वास्तव में पढ़ाई हुई है, मजा आना चाहिए। मैं जब पढ़ाता हूं आपको पता है कितने उल्लास के साथ पढ़ाता हूं, मजा आता है, आनंद आता है, आनंद लो ना, इंटरनल मोटिवेशन लो ना, लेकिन बोझ मान के करोगे तो सब कुछ नहीं हो सकता। इसलिए अपनी धार बहुत गजब की रखिए, उल्लास के साथ पढ़ाई कीजिए।